हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैंने अपना जो पीएचडी है वो एल्जेब्रा में किया है और स्टूडेंट मैं सीएसआई नेट भी क्लियर हूँ और मैं अपने जो वीडियोस हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूँ। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोज़ कहाँ हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सभी टाइप के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाके आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं छोटी मोटी मैंने हो सकता है प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, सो देट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। और मैं जो मेरा पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं उसको डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ेगी सर ने इसमें ये मिस्टेक कर दी, सो देट कि उसको आप अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, देन वहाँ पे आप गजेंद्र पुरोहित सर्च करें, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, सो देट कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप मेरे कोर्स को रेट करें, रिव्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो देट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर। मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्टार्टिंग वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती क्या है और कैसे वहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस यहाँ हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे। लाइक सिंप्लेक्स मेथड में यहाँ पे बिग एम है, टू फेस है, देन उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूलिटी, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड और रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड भी है। सो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले। तो स्टूडेंट आज मैं बात करूँगा आपके सामने सिंप्लेक्स मेथड, और सिंप्लेक्स मेथड से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ग्राफिकल मेथड, जो मेरे पुराने वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राफिकल मेथड होता क्या और कैसे हम लोग वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियोस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोडेड है, प्लस गेट के लिए, आईआईटी जेएम के लिए और भी मैंने आपके लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ डेवलप किया। तो स्टूडेंट यहाँ आई टी बारा यहाँ पे मेरे सभी वीडियोस आप देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, सो देट कि मेरे आने वाले वीडियोस के सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और स्टूडेंट कमेंट और लाइक ज़रूर करें क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना तो आपका भी बनता है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कि ये जो ग्राफिकल ये सिंप्लेक्स मेथड में एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्टेंट क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। सो मैं सीधा बताऊँगा यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड में आपके मन में सवाल उठेगा सर दोनों से आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले आपको ग्राफ से बताता हूँ, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इसको सिंप्लेक्स से कैसे करेंगे, राइट। तो अगर मैं इसको ग्राफ से करना चाहूँ तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, राइट। सिंप्लेक्स मेथड में अलग चलता है, ग्राफ अलग मेथड है ना, पर मैं आपको दोनों में बता रहा हूँ कि दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है, राइट। सो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि लाइक जैसे ये बनाते हैं हम ना टेबल, क्या करते हैं हम लोग, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ जीरो रखते हैं, वाई की जगह जीरो रखी तो एक्स की वैल्यू आ रही है थ्री, एक्स की मतलब ये एक्स वन एक्स टू है, सो इसको एक्स वन एक्स टू ले लो, है ना। सो एक्स टू को जीरो रखा तो इसकी वैल्यू आ रही फाइव, सॉरी, है ना, और इसको यहाँ पे जीरो रखा एक्स वन को तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास थ्री, देन इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा एक्स वन, ये हमारा एक्स टू, देन ये जीरो जीरो, यहाँ पे एक्स टू की जगह जीरो रखेंगे तो एक्स इसकी वैल्यू आएगी एक्स वन की टू, और इसकी जगह जीरो रखेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी फाइव, है ना। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका ग्राफ देखिए कैसा आएगा, जहाँ पर ये फर्स्ट वाला देखिए 5,0, तो लाइक 1, 2, 3, 4, 5, है ना, तो ये 5,0 यहाँ आ रहा है, एंड देन यहाँ आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, सो ये आ रहा है आपका 0,3, है ना। तो इसका जो लाइन आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना। और ये 2,0 यहाँ रहेगा 2,0, एंड ये आएगा 0,5, है ना। तो ये आपका जो आएगा वो ये आएगा, देन ये दोनों लेस देन है तो इसका जो कॉमन रीज़न आएगा वो ये आएगा। तो हमारे पास जो फिजिबल रीज़न होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए फिजिबल रीज़न में, तो फिजिबल रीज़न में आप क्या करेंगे, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ हमारा बी पॉइंट आएगा और यहाँ हमारा सी पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो ए पॉइंट आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आ रहा आपके ओ पॉइंट आ रहा है आपके पास 0,0, फिर हमारे पास ए पॉइंट आ रहा है 2,0, बी पॉइंट हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा, और सी पॉइंट आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0,3। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर बी पॉइंट है तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैं सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। और इसके जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपके पास 45/19 और 20/19, राइट, ये वाला पॉइंट आएगा ना। तो यहाँ आएगा 45/19 और 20/19,
साइन। फिर हम क्या करेंगे, ये सब पॉइंट जेड में रखते हैं, है ना। तो हम निकालेंगे यहाँ पे जेड एट ओ, तो यहाँ से जीरो जीरो उठा के यहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी जीरो। फिर हम निकालेंगे जेड एट ए, तो ये रखेंगे यहाँ पे, तो टू और जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी टेन। फिर हम रखेंगे जेड एट बी, तो जहाँ पर एक्स वन है वहाँ 45/19 और जहाँ एक्स टू वहाँ 20/19, है ना, सॉरी 20/19 की जगह यहाँ पे कुछ और आना चाहिए वैल्यू, यस 20/19 ही आएगा। सो 45/19 उठा के रखेंगे आप, तो आप देखिए 45 × 5 करेंगे और 20/19 करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 235/19। एंड फिर हम बात करेंगे जेड एट सी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9। तो हमारा जो मैक्सिमम जेड आ रहा वो क्या आ रहा है, ये आ रहा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करूं, राइट, अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूं, मैं सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करूं, तो भी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। मतलब यहां पे क्या रहा है, जेड इज मैक्सिमम एट एक्स वन इज इक्वल टू 45/19 एंड एक्स टू इज इक्वल टू 20/19 एंड मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 235/19, राइट। अब बात करेंगे हम इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, सिंप्लेक्स। मैंने किससे बताया ये आपको, ग्राफिकल से बताया, किससे बताया यहां पे, ये ग्राफिकल मेथड। अब बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, राइट। आप सिंप्लेक्स मेथड देखिए स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ है, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 देन यहां पे दे रखा है आपके पास 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल टू 15 देन 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, है ना, और ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी हम क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, देखो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बार बार स्टूडेंट के कमेंट्स आते रहते हैं, सर आप थ्योरी पढ़ाइए, सर आप इस थ्योरम का प्रूफ बताइए, सर आप ये कराइए, सर आप वो बताइए। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को लेके चलूं। अगर मैं आपके सामने थ्योरी बताने लग गया तो मेरा टाइम बहुत खराब होता है, और मुझे लगता है स्टूडेंट आप थ्योरी आराम से बुक में पढ़ सकते हैं। मैं सीधा यहाँ बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसको करना कैसे, बस इसके अलावा मैं आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा कोई भी टाइम नहीं खराब करूंगा यहाँ पे, राइट। सो देखिए अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड पे दे रखा है, सबसे पहले आपको देखना है कि वो मैक्सिमम में होना चाहिए, राइट। तो ये भैया मैक्सिमम में है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे आप मैक्सिमम जेड। सो हम यहाँ बात करेंगे मैक्सिमम जेड ऑलरेडी है, तो मैक्सिमम जेड रहने दीजिए 5x1 प्लस 3x2। अब क्या होता है, ये लेस देन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल को ऐड करेंगे, ना 3x1 प्लस 5x2, हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, तो हम एक वेरिएबल ऐड करेंगे, उसको नाम देंगे हम x3। और स्टूडेंट जब भी लेस देन होता है हम कोई वेरिएबल ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल, राइट। अगर ग्रेटर देन होगा तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लेस देन है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। अरे भैया अगर यहाँ पे ये छोटा नहीं ये बड़ा, तो यहाँ को जोड़ना पड़ेगा ना, तो उसको हम स्लैक वेरिएबल बोलेंगे, ना। अगर यहाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ना, वो बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। सो इधर देखिए आप लोग यहाँ पे 5x1 प्लस 2x2 0x3, यहाँ पे हम नया वेरिएबल ऐड करेंगे x4, और जो नहीं है उसको हम लिख देंगे 0x4। जैसे यहाँ पे हमने x3 ऐड कर दिया 0x3, सिमेट्रिक दिखाने के लिए, ना, सो देट कि एक जैसा दिखे, क्लियर। अब यहाँ पे भी हमने लिख दिया 0x3 एंड 0x4, बोलो सही है। एंड ऑल एक्स आई इज ग्रेटर देन, सभी जो वेरिएबल है वो क्या 0 और 0 से बड़े होंगे। स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता दूं, मैक्सिमम जेड है ना, यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए x3 जोड़ा, यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए x4 जोड़ा, और इन दोनों वेरिएबल को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, क्योंकि ये इसको बैलेंस करने के लिए ऐड करे गए, राइट, है ना। अब बात करते हैं आगे की, है ना। अब हम यहाँ मैट्रिक्स, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ना, वो टेबल समझने की जरूरत है ना, सी बी एक्स बी बी, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, है ना, ये जो मैट ये यहाँ पे है, इसको लिखेंगे हम x1 x2 x3 x4। अब लिखना कैसे, पहले आपको ये लिखना है ना। अब यहाँ पे कंसेप्ट होता है बेसिक वेरिएबल का, क्या होता है बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स बनाते थे, लाइक 1 0 0 1 बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, x3 और x4 होंगे। नॉर्मली x3 और जो हम सर सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं वही उनको बेसिक लेंगे। सो मैं पहले आपको यहाँ बता देता हूँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये हो रहा है 3 5 5 2 1 0 0 1 एंड देन यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 10, और भैया 3 5 5 2 1 0 0 1 और ये जो b है वो यहाँ आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आएगा cj का मतलब क्या होता है, ये जो कॉस्ट, ये कॉस्ट फंक्शन होता है, राइट, इसको बोलते हैं हम 5
300. या तो हम प्रॉफिट निकालते हैं या कॉस्ट निकालते हैं, तो ये जो इसकी वैल्यू, इसका जो कॉफिशियंट है उसको उठा के यहाँ रखेंगे. क्लियर? अब बेसिक वेरिएबल कौन होता है जिससे यूनिट मैट्रिक्स बनते हैं? देखो यूनिट मैट्रिक्स इन दोनों से बन रही है ना, तो ये हमारा हो जाएगा x3, ये हो जाएगा हमारा x4, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में x3, सेकंड वाली इक्वेशन में x4 है. अब इन दोनों की कॉस्ट कितनी भैया यहाँ पे? जीरो जीरो है. कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल cb, ठीक है. अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर करना क्या चाह रहे हैं ये बताओ आप. तो मैं आपको समझाना चाहता हूं मैं करना क्या चाह रहा हूं. आपको क्या करना है, ये दोनों बेसिक वेरिएबल हटाने हैं और x1 और x2 को बेसिक बनाने हैं. इस x1 और x2 को हम बेसिक बनाना चाहते हैं, मतलब यहां 1001 चाहिए मेरे को. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जेड जे माइनस सी जे की, है ना. तो सबसे हम क्या करेंगे, जेड जे निकालेंगे. क्या निकालेंगे? जेड जे. चलो जेड जे पहले निकाल दो, ठीक है ना. तो जेड जे क्या होगा, जेड जे क्या होगा, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके जोड़ना. इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, जीरो से थ्री मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से फाइव मल्टीप्लाई होगा जीरो, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा जीरो. फिर इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, जीरो जीरो जीरो, इन दोनों को वापस करोगे ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा. अब सी जे, सी जे क्या यहाँ लिख दो, है ना. कितना है सी जे यहाँ पे आपके पास, फाइव थ्री जीरो जीरो. माइनस करो उनको, यहाँ निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे, इसको इससे माइनस करोगे माइनस फाइव माइनस थ्री जीरो जीरो. कुछ बुक्स के अंदर सी जे माइनस जेड जे लिखा हुआ है भैया, दिस माइनस दिस कर रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा. मैं यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे ले रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि मैंने जो बुक्स पढ़ी उसमें जेड जे माइनस सी जे मैंने पढ़ा है ना, तो मैं उसे समझा रहा हूँ, आप वो समझ लेना, एक ही बात है. अब होता क्या है, हम क्या चाह रहे हैं भैया, हम ये चाह रहे हैं कि एक्स थ्री एक्स फोर यहाँ से हट जाए. अगर मैं x3 x4 को हटाना चाहता हूं तो मैं x1 x2 को लाऊंगा यहां पे, है ना. तो यहां पे एक वेरिएबल हटेगा एक आएगा, राइट. तो अब कौन सा हटेगा और कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जो मोस्ट नेगेटिव है इनमें, सबसे नेगेटिव कौन है, सबसे नेगेटिव कौन है, जो बड़ी वैल्यू है माइनस फाइव है. अगर आपके पास सी जे माइनस जेड जे होगा तो भैया ये माइनस फाइव की जगह प्लस फाइव प्लस थ्री हो जाएगा, तो मोस्ट पॉजिटिव हमारा हो जाएगा उस वाले केस में. तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे हम मोस्ट नेगेटिव लेंगे, उस वाले केस में मोस्ट पॉजिटिव लेंगे. क्लियर? ठीक है ना, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स वन है ये अंदर आएगा. क्या अंदर आएगा? इसको बोलते हैं एंट्रिंग वेरिएबल. क्या बोलते हैं इसको? एंट्रिंग वेरिएबल. अब भैया आएगा अंदर, ये तो पता पड़ गया, अब किसकी जगह आएगा यार, इसकी जगह आएगा कि इसकी जगह आएगा? इसके लिए हम यहां देखते हैं मिनिमम रेशियो. क्या देखते हैं? मिनिमम रेशियो. अब मिनिमम रेशियो क्या, ये आपका एंट्रिंग है तो इन दोनों का रेशियो देखेंगे, है ना. तो देखो क्या करेंगे आप, 15/3 करेंगे, 10/5 करेंगे. क्लियर? अब इन दोनों में अगर आपका एंट्रिंग ये होता तो इसका रेशियो चेक, अभी एंट्रिंग ये है तो इसका रेशियो चेक कर रहे हैं, राइट. तो इन दोनों में इसका रेशियो कितना रहा, 5, इसका रेशियो कितना रहा, 2, इसका मतलब x4 हटेगा, मतलब ये क्या हुआ मेरा, आउटगोइंग, ठीक है ना, मतलब x4 हटेगा और आएगा कौन, x1 आएगा. अब भैया x1 यहां पे आ गया तो ये बेसिक बन गया, तो एक जगह 1 और एक जगह 0 बनाना पड़ेगा. मैंने बोला ना यार, अगर यहां पे x3 है तो x3 वाली वाली कॉलम में 1 0 होगा, यहां x4 है तो यहां 1 और 0 होगा. तो इस x4 की जगह यहां पे x1 आ रहा, तो भैया यहां पे क्या होगा, 1 बनेगा, और इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा आपको, 0. इसको बोलते हैं की एलिमेंट, है ना. क्या बोलते हैं इसको हम, की एलिमेंट कॉमन. अब आप बोलोगे सर कैसे आया, अरे मेरे भाई ये कॉमन, ठीक है ना, दिख रहा ना ये, इसका ये और इसका ये, है ना, दिस इज की एलिमेंट, राइट. इस की एलिमेंट की जगह 5 की जगह हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, और उसके ऊपर हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है. तो इसकी नेक्स्ट टेबल को समझने की कोशिश करिए. अब समझ में आ जाएगा आपको, सी बी एक्स बी बी यहां पे कितना आएगा, यहां पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, थोड़ा छोटा करता हूं, है ना. यहां पे क्या आ रहा है, ये तो ये यहां पे कौन आ रहा है, ये तो x3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा ना. इस x3 x4 की जगह हम क्या रखेंगे, x1 रखेंगे. क्लियर ना. अब देखो ये cj हमारा यहां है, ये कितना है, 5 3 0 0. ओके ना, बात करते हैं, इस 5 की जगह मुझे क्या बनाना भैया. अच्छा, इस x3 की कॉस्ट कितनी है, 0 है. अब इस x1 की कॉस्ट कितनी है, 5 है.
ये यहाँ पे 5 आएगा, है ना, इसके सामने है ना, इसकी कोस्ट आती है, राइट। अब बात करते हैं, मुझे इस 5 की जगह क्या बनाना है, 1 बनाना है, है ना, इसकी जगह 1 बनाना। तो इसको हम पूरी लाइन को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे ना। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 2, है ना। इस पूरी लाइन को 5 से डिवाइड करो, क्योंकि हम इस 5 को क्या बनाना चाह रहे हैं, 1 बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया है 5/5/5, 1, ये 2/5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और ये मेरा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं इस 3 को क्या बनाना, मुझे 0 बनाना है, क्लियर है। ये हमारी न्यू लाइन है, ये हमारी ओल्ड लाइन है ना, ऊपर वाली जिसको हम 0 बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं, अरे भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं इस पूरी लाइन से, तो मेरा 0 बन जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, देखो यहां पे ओल्ड लाइन माइनस 3 × न्यू लाइन। तो बेटा ओल्ड लाइन कौन सी है, ये रही, लिख लो इसको, कितना है यहां पे 15 3 5 1 0, 15 3 5 1 0, इसको मैं ऐसे लिख दिया है ना, माइनस 3 × न्यू लाइन, ये न्यू लाइन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -3 -6 -3 -6/5 -0 -3/5, बोलो सही है कि नहीं। 15 में से 6 गया तो कितना बचा भैया, 9, इसको इससे माइनस करेंगे कितना बचा 0, इसको इससे माइनस करेंगे 25 6 19/5, बोलो सही है, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1, और इसको इससे माइनस करेंगे तो -3/5, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, है ना। क्या करा, इसको 1 बनाया, फिर वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया, ओके। नाउ अब बात करते हैं हम जेड जे माइनस सी जे की, अब वही हम क्या करेंगे यहाँ पे, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे। अब मैं सीधा निकाल रहा हूँ जेड जे माइनस सी जे, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 5, है ना, चलो मैं जेड जे निकाल लेता हूँ कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, और ये आएगा 1, है ना। नाउ सी जे कितना है 5 3 0 0, है ना, अब इसको माइनस करो कितना आएगा यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे 0, ये कितना है -1 0 and 1, क्लियर है ना, जेड जे माइनस सी जे आ गया, ओके। अब मोस्ट नेगेटिव कौन है भाई साहब, ये मतलब एक्स टू अंदर आएगा, अब यहां आएगा कि यहां आएगा, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे यहां पे मिनिमम रेशियो, है ना। तो क्या करेंगे, ये हमारा एंट्रिंग है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय कितना होगा 19/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 45/19, और ये आएगा 2/2/5, तो 2 और 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 10, है ना। अब इन दोनों में देखना है कि मिनिमम कौन है, तो भाई साहब आप देख रहे हो मिनिमम यहाँ पे कौन आएगा, ये आएगा, अगर मिनिमम ये आएगा तो ये x3 हटेगा और इसकी जगह कौन आएगा x2 आएगा, और हमारा की एलिमेंट कौन सा होगा भाई साहब, की एलिमेंट हमारा ये वाला होगा, इसके जगह हम क्या बनाएंगे 1, और इस नीचे वाले को क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, है ना। तो मैं एक और टेबल यहीं बना देता हूं सो देट कि आपको समझ में आएगा, सी बी एक्स बी बी, है ना, ये आएगा आपके पास x1 x2 x3 x4, है ना, ये आपका सी जे कितना आएगा यहाँ पे 5 3 0 0, राइट। ना आगे देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, मैंने यहाँ पे क्या करना है, x3 की जगह कौन आएगा x2 आएगा, और ये कितना आएगा x1 आएगा। अब देखो x1 की कॉस्ट कितनी है 5, और x2 की कॉस्ट कितनी है 3, है ना। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप लोग, मुझे इसकी जगह क्या बनाना है 1 बनाना है, 1 बनाना है, तो मैं काम करूँ इस पूरी लाइन को 90/5 से डिवाइड कर दूं, या फिर एक काम करूं 5/19 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे यार इसका उल्टा ऐसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5/19 से करेंगे तो कितना आएगा ये 45/19, ये आ जाएगा 0, और ये 5/19 से कैंसिल हो जाएगा 1, ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 5/19, और ये आएगा आपके पास 5/19, तो ये आएगा -3/19, बोलो जी सही है कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस 2/5 को 0 बनाना, तो क्या करूं मैं, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, है ना। तो क्या निकलेंगे, लिखेंगे यहां पे न्यू लाइन मतलब ओल्ड लाइन माइनस 2/5 × न्यू लाइन। तो देखो ओल्ड लाइन क्या है हमारे पास, ओल्ड लाइन है हमारे पास 2 1 2/5 0 और 1/5। अब क्या करें, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करें,
है ना, तो इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 यहाँ आएगा, तो 5 से कैंसिल हुआ तो कितना आएगा यहाँ पे 9, सो ये 18/19 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसको 2/5 से करेंगे तो 2/5, इसको करेंगे 2/5 से तो कितना आएगा मेरे भाई, माइनस का 2/19, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 2/5 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6/95, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 2 38 में से 18 गया तो ये आएगा 20/19, है ना, ये आएगा 1, ये आएगा 0, नाउ यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2/19, और यहाँ से हम करेंगे 19 और 6 25 5/19, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगेन हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे। अब मैं सीधा जेड जे माइनस सी जे निकाल, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो जेड जे आएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं ना, तो ये आएगा 0 और 5, और फिर सी जे माइनस करेंगे तो 5 - 5 क्या आ जाएगा 0, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे 0, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/19 और माइनस का 10/19, तो ये होगा 5/19, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -9/19 और 25/19, 25 में से 9 हो गया तो कितना बचा 16/19, क्लियर। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब आप देख रहे हो कि सभी जो वैल्यू है ऑल जेड जे माइनस सी जे क्या रहा है, ऑल जेड जे माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी 0 और 0 से बड़े स्टूडेंट। मैंने बोला था मोस्ट नेगेटिव हमारा क्या होता है, एंटरिंग होता है, पर अब तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो अब कोई नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या, मतलब हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है उसमें जो हम चाह रहे हैं आंसर, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो आ गया है। सो अब हमारा आंसर क्या आएगा, जो इसके सामने लाइक x1 के सामने कौन है बताओ 20/19, x2 के सामने कौन है बताओ 45/19, और ये दोनों वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ रखेंगे किसमें, इस z में, है ना। तो जैसे मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे देखो, मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 20 रखेंगे तो 20/100 रखेंगे तो 20/19 तो कितना आएगा यहाँ पे 100/19, और यहाँ रखेंगे अपन 45/19 तो दैट इज 135/19, है ना। तो यहाँ हमारे पास आएगा 235/19, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूँ, ये थोड़ा मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 20/19 और x2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पे 45/19, और इसको आप सिंप्लीफाई करके, मैंने सीधा सीधा आंसर लिख लिया था इसलिए थोड़ा इश्यू आ गया, तो 25/19 है ये 45/19 है, राइट। तो आप ग्राफिकल से करोगे तो भी यही आंसर आएगा, है ना, 20/19 और ये कितना आएगा 45/19, राइट। ग्राफिकल से करोगे तो भी ये आंसर आएगा, और सिंप्लेक्स मेथड से करोगे तो भी यही हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ कंपेयर करके बताया कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और कैसे हम यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है। मैं एक और क्वेश्चन आपको सिंप्लेक्स मेथड से बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर, मुझे लगता है ये मेरा जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, ग्राफिकल वाले में थोड़ा सा आंसर में करेक्शन था, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर ले, और मेरे जो वीडियोस हैं आपको रियली हेल्प कर रहे होंगे, और अगर आपको हेल्प करें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प आप भी करें हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।